माई यूट्यूब चैनल गिन्नी व्लॉग्स। सो जैसे कि आपने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लिया होगा, आज की वीडियो है रिलेटेड टू दी प्रोडक्ट रिव्यू ऑफ दिस न्यू हेयर ब्रश, लाइक हॉट हेयर ब्रश है ये, 3 in 1 अर्बन योग का है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, दैट इज़ द मस्ट। ये प्रोडक्ट मैंने बाई किया था लगभग 1 वीक पहले। अगर मैं इस प्रोडक्ट का बताऊं, मैं पिछले 1 वीक में 2 से 3 बार इसे ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ क्योंकि मेरी रिबॉन्डिंग ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है। सो उसको थोड़ा थोड़ा जहाँ पे हेयर्स ख़राब हो गए हैं उनको सही करने के लिए, बट ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। सो जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूँ, हेलो माय नेम इज़ प्रिया। मैंने अभी न्यू अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसमें कि मैं आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करने वाली हूँ ट्रैवल से रिलेटेड, लाइक जहाँ जो जगह मैं कवर करने वाली हूँ उससे रिलेटेड, फैशन रिलेटेड और होम डेकोर रिलेटेड, ठीक है। बिना डिले करें इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ये है हमारा प्रोडक्ट जो इस तरीके की पैकेजिंग में हमें रिसीव हुआ है, हॉट एयर ब्रश। इसमें 3 यूनिट्स आते हैं। फर्स्ट जो है ये ड्रायर जो इसका टैंगल है, देन सेकंड ये ब्रश और थर्ड ये वाला ब्रश, ठीक है। ये पैकेजिंग कुछ इस तरीके से अमेज़ॉन से रिसीव हुई है मुझे, और हाँ मैंने ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। मुझे पड़ा था 2199 का, हाउएवर शायद अब इसका प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है क्योंकि मैंने सेल में लिया था। एंड इसके अलावा ये जो इसमें MRP है वो है 6999 का, ठीक है। इसमें अगर मैं क्वांटिटी बताऊँ, एंड इसका जो कोड है वो है 001, इसका लाइक कुछ कोड होता होगा प्रोडक्ट का, मॉडल नंबर। एंड इसकी फ्रिक्वेंसी है 1200 वॉट्स, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है, बिना देरी करे इसे खोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हैं, इसके अंदर भी आपको मिलता है एक और बॉक्स। तो देखिए जैसे कि ये है दूसरा बॉक्स जो इसके अंदर हमें मिला है, ठीक है। देन आप इसके अलावा इसको ओपन करते हैं तो इस तरीके से आपको मिलेंगे। इसमें आपके 3 प्रोडक्ट्स हैं। पहला है ये, ठीक है, जो है ब्रश। इसमें आपको देख सकते हैं आप ब्लैक एंड रोज़ गोल्ड फिनिश में मिला है। इतनी लंबी वायर है तो आप इजीली इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। देन इसके अलावा अगर आप देखें तो आपका इसमें लॉक एंड अनलॉक सिस्टम होता है जिससे आप इन दोनों ब्रशेस को अटैच कर सकते हैं। एंड ये है आपका थर्ड ब्रश जो इसमें मिला है, लाइक थर्ड यूनिट। ये 3 चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ये आपका यूज़ होता है हेयर स्ट्रेट करने के लिए, या फिर आप इसके साथ कर सकते हैं अपने ब्लो ड्राई कर सकते हैं हेयर्स को। ये है ड्रायर, आप ड्रायर की तरह यूज़ कर सकते हैं। एंड इसे भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, लाइक अगर फीमेल है तो इसे इसके साथ यूज़ करें, एंड मेल्स इसे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। एंड ये इस तरीके की इसमें 3 पैकेजिंग प्लास्टिक पैकेजिंग में ये आया है। अपार्ट फ्रॉम दैट इस बॉक्स में मुझे मिला है, ये है इसका वारंटी कार्ड, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरीके का 1 ईयर वारंटी है इस प्रोडक्ट की फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, ठीक है। वारंटी डज नॉट कवर योर फॉल्स रिजल्टिंग फ्रॉम ऑपरेशन एंड केयरलेस हैंडलिंग, मतलब इसमें वारंटी में अगर कोई वायर शॉर्ट हो गई है या बंद हो गया है वो सब कवर करता है। ये है इसका मैनुअल, कैसे इसे यूज़ करना है क्या है ये सब यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। इसके अलावा गाइस मुझे ना इसके साथ एक कूपन कोड भी मिला है जो 50 रुपीज़ का है। अगर कोई इसे बाय करता है, लाइक अगर आप में से कोई भी इसे बाय करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। देन मैं आपको जो है इसका QR कोड दे दूँगी ताकि आप लोग इसे डायरेक्टली बाय कर सकें और आपको वो डिस्काउंट मिल जाए, क्योंकि इसका स्ट्रेटनर भी मैं ऑलरेडी मंगा चुकी हूँ, उसका भी मैं आपको जल्दी ही क्या बोलते हैं रिव्यू दूँगी, ठीक है। फर्स्ट हम इस प्रोडक्ट की बात करते हैं कैसे ये यूज़ होगा। सो बिना देरी करें चलो इसे स्टार्ट करके देखते हैं। सो गाइस मैंने इसे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक को कनेक्ट कर दिया है। सो इसकी काफ़ी लंबी वायर है तो मेरा लगभग स्विच डिफरेंस होगा, तो ये मेरा हो चुका है। इसे आप देखिए, इसे आपको जो स्टार्ट करना है यहाँ पर आपको 4 वो मिलते हैं, एक है कूल, लो, मीडियम एंड हाई, ठीक है। इसमें आप इसे इस तरीके से आपको इसे मूव करना है। देन ये आपका हो गया कूल पे, देन लो, मीडियम, हाई, आप अकॉर्डिंग टू योर हेयर, ये आपके 4 वो हैं, आप अपने हेयर्स के अकॉर्डिंग इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊँ मेरे बहुत थिन हेयर्स हैं तो मेरे लिए लो ही सही रहेगा, और ऊपर से मैंने हीटिंग से ऑलरेडी ख़राब। एंड 1 मोर थिंग आई विल टेल यू, बिफोर यूजिंग एनी थिंग, लाइक आप कोई भी हीट प्रोडक्ट या कुछ भी यूज़ करते हैं, हीटिंग करते हैं, तो अपने बालों पर ईदर सीरम या कुछ लगा लें। मैंने ऑलरेडी लगा लिया था हेयर वॉश के बाद, तो मैं अभी नहीं लगा रही हूँ, बट आप लगा सकते हैं। द सीरम आई विल सजेस्ट यू, जो लॉरियल का सीडी है एक, CD एक्सपर्ट, वो काफ़ी अच्छा है, मैं उसे मोस्टली यूज़ भी करती हूँ। मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका एक वो है, इसे आप डिटैच और अटैच कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो आपको इसे इस तरीके से यहाँ पर लाना है, ठीक है, एंड ये इस तरीके से होगा। देन आपको इसे मूव करना है, ये देखिए, अब ये जो इसका टैंगल था ये अप हो चुका है तो ये लॉक हो चुका है, ठीक है। अगर मैं इसे स्टार्ट करूँ तो देखिए, अगर मैं लो पे कर रही हूँ तो मेरे हेयर ऑलरेडी ड्राई है। तो आपको बिफोर यूजिंग द सेकेंड ब्रश देखिए इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरीके से बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये देखा, इसमें आपका ये फर्स्ट है कि देन आप लो पे गए, देन मीडियम, देन हाई, ठीक है। आई विल सजेस्ट यू, अगर आपके भी बाल मेरी तरह थिन है और ऑलरेडी ख़राब कर चुके हैं, सो डोंट यूज़ इट इन अ मीडियम और हाई फ्लेम, ऑलवेज यूज़ इन लो और कूल लो, दैट विल वर्क। इसको डिटैच करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसे जस्ट ऊपर वाले इसको टैंग ये जो है यह है, इसे नीचे को वो करके इसे दोबारा घुमा दें तो ये डिटैच हो जाएगा, ठीक है। द ओनली वन ड्रॉबैक आई सॉ इन दिस, ये ना जल्दी काफ़ी हीट हो जा रहा है। लाइक मैंने अभी आपने देखा 4 से 5 सेकेंड इसे यूज़ किया, ये तो हीट होगा क्योंकि ऑब्वियसली बात है, गर्म हॉट एयर आ रही है तो ये, बट ये भी हल्का सा हीटअप हो जा रहा है। सो विच इज़ माइट भी, या तो ये मुझे लग रहा है या फिर ऐसा ही कुछ इसका यूजेज होता होगा। देन सेम वे जैसे मैंने पहले अटैच किया था, ये दूसरा वाला अटैच कर दिया। द ड्रॉबैक आई एम फाइंडिंग इन दिस कि ना मेरे ना हेयर फॉल बहुत होता है और हेयर इसमें इस तरीके से अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको इसके लिए इधर कोई ब्रश देना चाहिए था या कुछ, जिससे कि मैं ये हेयर निकाल पाऊँ। मेरे पास जो एग्जिस्टिंग ब्रश है उससे वो नहीं निकल पा रही। देन सेम वे जैसे हमने इसे ऑन किया था फुल मोड एंड हम इसे लो मोड पर ले आएंगे। मैंने आपको अपने हेयर स्टैंड लेके ज़्यादा ये प्रोडक्ट्स यूज़ करने तो आते नहीं हैं, बट हाँ मैंने एक वीडियो में देखा था कि आप पीछे के सारे हेयर्स नॉर्मली कॉम्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं, बट जो फ्रंट हेयर है उन्होंने इस तरीके से एक पार्टीशन लिया था हेयर्स का एंड देन इस ब्रश से ना उन्होंने ना बैक साइड को करा लाइक ब्लो ड्राई पार्ट के लिए। तो मैं भी उसी तरीके से इसे यूज़ कर लेती हूँ। बाकी मैं अभी जब इसे यूज़ करती रहूँगी, जो जो मुझे आएगा वो मैं आपको शॉर्ट ब्लॉग में अपडेट कर दूँगी। तो इस तरीके से आपको उन्होंने ऐसे बैक साइड को लिया था। एंड इसमें भी आपके जो है 4 मोड हैं, लो, मीडियम, कूल एंड ऑफ, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का मेरा ऑलरेडी फाइनल लुक आ चुका है। बेसिकली आई लाइक दी प्रोडक्ट। 1 हफ्ता हो चुका है यूज़ करते हुए, 3-4 बार यूज़ भी कर लिया है। प्रोडक्ट अच्छा है, कोई भी ड्रॉबैक नहीं है, बस एक थोड़ा सा हीटिंग पार्ट है जिसे आप देख सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ये ड्रॉबैक है या फिर शायद हॉट एयर की वजह से ही ये हीटअप हो जा रहा है। ऑल एंड ऑल 9 out of 10 द प्रोडक्ट इज़ वेरी नाइस। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने इसका स्ट्रेटनर भी बाई किया, वो बहुत अच्छा है। लाइक जो नॉर्मली स्ट्रेटनर होते हैं वो आपको स्ट्रेट करने के लिए आप पीछे वाले हेयर्स करने में काफ़ी दिक्कत होती है। सो उसमें क्या है, दैट इज़ सिमिलर लाइक अ कॉम। इस तरीके का कॉम नहीं है, दूसरे तरीके का, आप उसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। उसका भी रिव्यू मैं बहुत जल्दी अपनी इसी चैनल पे अपलोड करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो कमेंट जो भी आपको वीडियो में ड्रॉबैक्स दिखे, जैसे कि ये चैनल बिल्कुल न्यू है, सो आप अपने सारे के सारे कमेंट्स और अपने सारे के सारे थॉट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।